अगली खबर की ओर चलते हैं। झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर में सीएम का तूफानी दौरा है। झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर में सीएम करेंगे जनसभा। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज झोंकेंगे पूरी ताकत। झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर में सीएम का तूफानी दौरा। झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर में सीएम करेंगे जनसभा। प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। और इस पर सीधे लाइव चलते हैं विवेक के पास। विवेक, जिस तरह से अब तेजी पकड़ रहा है चुनावी माहौल और आने वाले समय में तूफानी दौरा कर रहे हैं सीएम झाबुआ, थांदला, अलीराजपुर का, क्योंकि जैसा कि अब चाहते हैं कि अपनी अपनी पार्टी को जिताना, तो सभी लोग इसमें अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक रहे हैं। किस तरह से इसको हम देखेंगे कि यदि अलीराजपुर, झाबुआ और थांदला में अगर चुनावी सभा होती है तो इसके क्या परिणाम निकल कर आएंगे भाजपा की तरफ से? बिल्कुल, 46 नगरीय निकाय की बात की जाए तो आज प्रचार का अंतिम दिन है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ जो सभाएं हैं वो करते दिख रहे हैं। क्योंकि झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर की बात की जाए तो आज मुख्यमंत्री का तूफानी जो दौरा है देखने को मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जो तूफानी दौरे हैं वो करते नजर आ रहे हैं। और तूफानी दौरों की बात की जाए तो जिस प्रकार से तूफानी दौरा रहता है उसी दौरान अधिकारी और कर्मचारी से भी मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और प्रदेश और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी लेते हैं कि कहां तक जमीनी स्तर तक पहुंची है। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से बीते कुछ दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पर दिखाई दिए थे और कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको फटकार भी लगाई थी और जो अधिकारी जो सही रूप से काम नहीं करते, भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें आ रही, ऐसी अधिकारियों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सस्पेंड भी किया है। यानी देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल और चुनावी माहौल के बीच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो एक्शन मूड है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने को मिल रहा है। और बात की जाए आज के दौरे की तो आज के जिस प्रकार से दौरा है तो कहीं ना कहीं आज मतदान का अंतिम दिन है। 5 बजे के बाद जो मतदान है 46 नगरीय निकाय और 18 जिलों में जो चुनाव होना है, 30 सितंबर को मतदान होना है, तो कहीं ना कहीं जो अंतिम जो प्रचार है वो कहीं ना कहीं थम जाएगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पूरी जो ताकत है वो झोंकती हुई नजर आ रही है। जी जी विवेक, और जिस तरह से जो चुनावी माहौल है उसमें अब देखा जाए तो मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर में भी शिरकत करेंगे। जन सेवा शिविर में शिरकत करने के बाद नगरीय क्षेत्रों में आचार संहिता भी है। जिस तरह से आचार संहिता के बाद अब कैसे यहाँ पे जनसभाएं हो रही हैं, किस तरह से माहौल बना हुआ है चुनाव का, कैसे पॉसिबल है ये कि जब आचार संहिता लगी हुई है तो चुनावी माहौल कैसे बन सकता है, जनसभाएं कैसे हो सकती हैं? बिल्कुल, जनसेवा की बात की जाए तो जनसेवा कार्यक्रम के दौरान जनसभाएं भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते नजर आए। बात की जाए कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के पास जाने की जो तैयारी है वो कर ली। अब देखने वाली बात है कि लगातार प्रदेश सरकार की बात की जाए या कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही पार्टी लोगों को जो लुभाने की जो राजनीति है वो अब करना शुरू कर दी है। क्योंकि जिस प्रकार से 46 नगरीय निकाय चुनाव हैं और 2023 की बात की जाए और 24 की बात की जाए तो दोनों ही उसमें जो चुनाव हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है फिर लोकसभा का चुनाव है, जिसके मद्देनजर रखते हुए अब दोनों ही राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गई और जमीनी फीडबैक जो है वो लेना शुरू कर दी। मगर जनसभा की बात की जाए मुख्यमंत्री की तो जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत है वो कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कर सकती है। जी, और जिस तरह से सीएम का झाबुआ, थांदला दौरा बताया जा रहा है अलीराजपुर का, और अब तो देखा जाए तो जन सेवा शिविर भी लगा रहे हैं इस बार सीएम, तो जन सेवा शिविर में किस तरह का रिस्पॉन्स है सीएम को? बिल्कुल,
बिल्कुल, जनसेवा शिविर की यदि बात की जाए तो जनसेवा शिविर में लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों की समस्या सुन रहे हैं और कई ऐसे जो अधिकारी हैं जिनकी लगातार भ्रष्टाचार से संबंधित जो जो शिकायतें हैं वो मिल रही, तो उनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फटकार भी लगा रहे हैं। और बीते दिनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई ऐसे जो अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड भी कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री का जनसेवा शिविर में एक्शन जो मोड़ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरी तरह एक्शन मोड़ पर दिखाई दे रहा है। कई जो अधिकारी उनको फटकार भी लगा रहे हैं, कई के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम जो योजना है उसमें यदि भ्रष्टाचार की शिकायत आती है अधिकारी के खिलाफ तो प्रदेश सरकार कोई उनको छोड़ेगी नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। जी विवेक, बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।